हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। तो दोस्तों, आज हम आए थे एक बहुत ही पुरानी शाही ईदगाह में। हाँ दोस्तों, ये वो शाही ईदगाह है जहाँ पर बताया ऐसा जाता है कि अकबर बादशाह ने यहाँ पर नमाज अदा की थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे, करीमा दिखाइए, ये जो ईदगाह बनी है बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। तो चलिए दोस्तों, हम चले गए अंदर। और ये देखिए आप, हमारे साथ क्या पोपट हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है ताला। तो ताला तोड़ना तो गलत बात है, हम ताला तोड़ नहीं सकते। तो गाइस, हम जाएंगे ऊपर से कूद के, वहाँ पे हमको रास्ता इजीली दिख रहा है। तो यहाँ से हम ऐसा जाएंगे, वहाँ से ऊपर कूद के हम अंदर जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं हम सीधा और मिलेंगे अंदर। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं हम शाही ईदगाह पर। और आप देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत ये लग रही है शाही ईदगाह। तो अभी चले गए हम वहां से, मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। और हम इसके अंदर भी चले गए दोस्तों, अंदर जो है बहुत बड़ी जगह भी है। तो गाइस चले गए हम इसके अंदर भी, बहुत अच्छी से जो है पूरा रास्ता बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। तो हम नीचे भी अंदर देखेंगे और ऊपर भी जाएंगे दोस्तों। फाइनली चलते हैं हम ऊपर। तो चलिए चलते हैं। और देखिए, जगह का एहतराम करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है जूते जो हमारे यहीं पे हम उतार देंगे। चलिए चलते हैं। चलो दोस्तों, अभी हम चलते हैं देखिए अंदर। और बहुत ही शानदार, मैं आपको बता दूं, बहुत ही शानदार दोस्तों ईदगाह लग रही है। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो गाइस, ये देखिए बहुत ही एक बड़ा मैदान है। और यहाँ पर दोस्तों, इस मैदान पे जो है नमाज पढ़ाई जाती थी। गाइस आप देख सकते हो उस समय कितने ज्यादा यहाँ पे लोग आते होंगे और कितना ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एक मीनार बना हुआ है। तो इसके अंदर हम चल के देखेंगे कि अंदर का कैसा व्यू है। तो चलिए यहाँ से हम चले गए अंदर। तो अभी हम अंदर आ चुके गाइस। और अंदर देखिए आप, कुछ इस तरह से अंदर का डिजाइन बना हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर अंदर डिजाइन बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ से आपको बाहर का भी पूरा जो है क्लियर यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको रोड दिखेगा, बस जा रही है यहाँ से। तो आइए दोस्तों, चलिए जानते हैं यहाँ की कुछ हिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बुरहानपुर किसी जन्नत से कम नहीं है। हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो शाही ईदगाह है इसे फारूकी ईदगाह कहा जाता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, फारूकी ईदगाह। हाँ दोस्तों, इसे फारूकियों के द्वारा ही बनाया गया था। दोस्तों, अभी हम मौजूद है आसिरगढ़ में, जो कि हमेशा से तारीख का एक अहम हिस्सा रहा है। ये वो इलाका रहा है जिस पर हमेशा से हर बादशाह की नजर थी। तो हम उसी आसिरगढ़ में, जहां आज हम आपको दिखाने आए हैं फारूकी ईदगाह। दोस्तों, इस ईदगाह को काफी वर्ष बीत गए हैं, फिर भी आज भी ये अपने अस्तित्व पर उसी तरह से कायम है दोस्तों, उसी रूप में आज भी ये बनी हुई दिखाई देती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी खूबसूरती कितनी ज्यादा ये खूबसूरत है गाइस। और यहाँ आप ये देखोगे दोस्तों, ये बना है मिंबर शरीफ, यहाँ पे मिंबर है दोस्तों, तो यहाँ पे खुतबा पढ़ाया जाता है। चलिए हम यहाँ से भी चलते हैं ऊपर, और ऊपर से और करीब से हम देखेंगे कि ये मिंबर कैसा बना हुआ है। ये देखिए, ये पूरे काले पत्थरों से बना हुआ है, सामने आप यहाँ पर देखोगे। और देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी ऊपर डिजाइन दी गई है इसको।
ये देखिए दोस्तों, ये फूल बने हुए हैं और ये जो पूरी डिज़ाइन है दोस्तों, ये काले पत्थर से बनाई गई है इस मेंबर शरीफ की, आप देख सकते हो। ये रहा दोस्तों वो मैदान जहां पर ईद की नमाज पढ़ाई जाती थी उस समय में, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा होगा। और हम इस साइड दोस्तों यहाँ आकर हम जब देखेंगे ना, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर फारसी लैंग्वेज में, फारसी जबान में आपको कुछ लिखा दिखाई देगा, तो मुझे तो खैर लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों ये। सेम दोस्तों ये तीनों तरफ यहाँ पे फारसी जबान में लिखा हुआ है। तो गाइस चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, और अंदर आपको दिखाता हूँ कितना शानदार अंदर से रास्ता बना हुआ है, और हम ऊपर भी जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आइए मेरे साथ, हम चलते हैं अंदर। देखिए दोस्तों छोटा सा रास्ता है और यहाँ पे मीनार बना हुआ है, और मीनार के अंदर से हम जाएंगे, रास्ता बना है, तो आइए दोस्तों। आइए नदीम भाई, दैट्स ग्रेट दोस्तों, ये आप देखिए जरा ज्यादा तरफ घुमाइए नदीम भाई, यहाँ पर बहुत ही शानदार बना है दोस्तों यहाँ पर अंदर, और चारों तरफ से यहाँ पे रोशनी आती है, आप ये देख सकते हो। और दोस्तों देखिए ये रास्ता जो आपको दिख रहा है नदीम भाई, यहाँ से थोड़ा रास्ता दिखाइए दोस्तों, ये रास्ता जाएगा ऊपर, और आप ऊपर दोस्तों अंदर जाएंगे, तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना शानदार है बना हुआ। That's a great beautiful दोस्तों, मैं आपको बता दूं बहुत ही शानदार और खूबसूरत नजारा दिख रहा है यहाँ से, दिखाइए नदीम भाई, ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नजारा दिख रहा है। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर झुककर भी जाना पड़ सकता है, और यहाँ से आप देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ से नज़ारा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। और ये देखिए मैं आपको इस साइड से अगर दिखाता हूँ, तो हम जो है अभी देखिए, इससे पहले हम नीचे थे यहाँ पर, है ना, अब हम यहाँ पर अभी आए हैं, यहाँ से ऊपर आए हैं, तो फिलहाल अभी हम यहाँ चले गए गाइस, तो चलिए चलते हैं हम यहाँ से अंदर। तो बहुत ही शानदार दोस्तों ये रास्ता है, हमें थोड़ा सा झुककर यहाँ से जाना पड़ रहा है, और आजू बाजू में दोस्तों मेहराबें लगी है जहाँ से बहुत ही अच्छा लाइट आता है, उजाला आता है, और दोनों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। देखिए दोस्तों बहुत ही वहां से लंबा रास्ता है दोस्तों, अभी हम वहां से आए हैं इस लंबे रास्ते से दोस्तों, जैसे कि आपने देखा अभी हम वहां से लंबे रास्ते से यहाँ से आए हैं, थोड़ा झुककर हमको आना पड़ा था, और मैं आपको बता दूं बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, बहुत ही मजा आया यहाँ पे रास्ता गाने में। और अभी हम जाएंगे यहाँ से ऊपर, ऊपर जो मतलब टेरेस वाला रास्ता है दोस्तों, और रास्ता थोड़ा सा रिस्की, आप देख सकते हो यहाँ से, नदी पर रास्ता दिखाऊं, यहाँ पे इस तरह सा रास्ता है, देखिए यहाँ एक यहाँ इस गड्ढे में पैर रख के हमको ऐसा जाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब हम ऊपर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं ऊपर, और दोस्तों मैं आपको बताऊं ऊपर से जो नजारा दिख रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नजारा दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ से, देखिए बहुत ही ऊंचाई पे लग रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार यहाँ से जंगल भी दिख रहे हैं, रोड दिख रहा है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं सामने एक आसिफगढ़ का किला है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए आप यहाँ से।
गाइस आज हम आए थे शाही ईदगाह पे जो कि आसिफगढ़ में मौजूद है, खंडवा रोड पर आपको इजीली मतलब दिख जाएगी, रोड पे ही है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये शाही ईदगाह पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक शानदार सी जगह के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।